कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए लॉकडाउन मजदूरों पर भारी पड़ रहा है। इसी बीच अजमेर में गरीब परिवार ऐसा भी है जो विजयनगर की फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन अब वह गरीब परिवार बिहार के लिए पैदल ही निकल पड़ा है। छोटे छोटे मासूम के साथ महिलाएं पैदल ही जैसे तैसे अजमेर पहुंची, और जब उन्होंने कलेक्ट्रेट पर आकर बिहार जाने के लिए टिकट मांगा तो उनको परमिशन नहीं होने पर उन्हें रोक दिया गया, तो मानो उन पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में समाज सेवी शैलेंद्र अग्रवाल ने उनकी मदद की और उनके लिए खाने पीने का सामान दिया। इस मौके पर अग्रवाल ने सरकार से ऐसे लोगों की मदद करने की मांग भी की। कोरोना से पीड़ित जो दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, ये सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसके बावजूद काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विजयनगर से चलकर बिहार के प्रवासी श्रमिक आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट अजमेर पहुंचे। इन्हें बिहार जाना था, परंतु यहाँ पर प्रशासन द्वारा इनको कहा गया कि अभी आपको दो दिन रुकना पड़ेगा। राशन पाने के लिए पैसा कोई है नहीं, तो ट्रेन चलने लगे तो हम लोग सोचे कि घर चल जाते हैं, राशन पाने के लिए है नहीं पैसा। फिर यहाँ क्या जवाब दिया अभी आपको? यहाँ आए तो बोले कि वहाँ थाना गए, तो थाना में बोले क्या वहाँ कलेक्टर